हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो स्टिच लेके आए हैं वो है ट्यूब फ्लावर स्टिच। इसको बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे कहीं भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जो चीज़ आपको चाहिए मेन, वो है एक ट्यूब। ये ट्यूब आप कोई भी ले सकते हैं। आप इसके बजाय अगर आपके पास कोई ट्यूब नहीं है तो पेन भी यूज़ कर सकते हैं, या ये बच्चों के छोटे वाटर बॉटल की जो ट्यूब होती है आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ करके आप ये फ्लावर्स बनाएंगे। करना क्या है, सबसे पहले हमें एक छोटा सा टुकड़ा अपने थ्रेड का काट लेना है और उसके बाद उसे ट्यूब पर ऐसे रखना है। फिर आप इसके लिए कोई भी धागा यूज़ कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसमें ऊल यूज़ करें कि 6 स्टैंड वाला धागा यूज़ करें, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इस पे ट्यूब पे ऐसे धागा रखा, उसके बाद दूसरे धागे को इसके ऊपर लपेटना शुरू किया। हमको यहाँ पर जो फ्लावर हमने बनाए हैं इसके लिए हमने 28 बार इसे फोल्ड किया है। ये देखिए 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एक के ऊपर एक धागा नहीं होना चाहिए, आप ये ध्यान रखिए। देखिए थोड़ी थोड़ी दूर पे ही हम सारे धागे यूज़ कर रहे हैं और साथ में थोड़ा लूज बनाइएगा। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, थोड़ा सा ऐसे खिसका दीजिए, 23, 24, 25, 26, 27 और ये 28। इस तरह से 28 बार हमने इसमें लपेट दिया। इस वाले धागे को हम खींच के सीधा कर लेते हैं और बाद में जितना लपेटा हुआ हिस्सा है उसे धीरे से अपनी पाइप के ऊपर से निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें ये वापस मिल जाता है। अब जो हमारे दो सिरे थे जो हमने पाइप के ऊपर रखे थे, इनको हम कस के टाई कर देंगे। बहुत कस के बांधना है ऐसे। यहाँ से हमने बांधा है, एक बार बांधा, ये दूसरी बार बांधा और कम से कम 3 नॉट्स हम यहाँ लगाएंगे। देखिए 3 नॉट्स लगा दी हमने ये। उसके बाद हम अपने धागे को काटेंगे। हमारे पास ये 4 थ्रेड्स होंगे, 2 हमारे जिस पे हमने नॉट लगाई है और 2 हमारे जहाँ हम लपेटना शुरू किए थे, इनको हम कट कर देंगे। ये देखिए ये 4 धागे हैं जो हमें काटने हैं। हमने इसे पकड़ लिया और पास से हमने एकदम इसे धीरे से काट दिया। अब हमारे पास जो बचा है उसे हम थोड़ा सा खोल लेंगे। ये हमारे फ्लावर की तरह से ये इस तरह से थोड़ा सा फैलाना पड़ेगा और हमारा ये फ्लावर रेडी है। ये देखिए, अगर आपको लग रहा है आपका धागा थोड़ा बड़ा कटा है दिख रहा है तो उसे थोड़ा सा आप ट्रिम कर सकते हैं। इस तरह से हमने ये फ्लावर बना लिया है। अब ये फ्लावर तो हमारा रेडी है, बट इसे हमें यहाँ पे कैसे होल्ड करना है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये हमने रखा, उसके बाद सुई में हमने डबल धागा डाला। ये देखिए हमने 6 स्ट्रैंड वाला धागा लिया है और उसे डबल से सुई में डाला हुआ। उसके बाद इसे धीरे से पकड़ते हुए, यहाँ पे अगर हमें टाँकना है तो हमने इसे पकड़ लिया है, अंगूठे की मदद से दबा दिया है और नीचे से बीचों बीच में हम अपने सुई को निकालते हैं और यहाँ पर हम बनाते हैं फ्रेंच नॉट। सुई के ऊपर 2 बार धागा लपेटना है और थोड़ी दूर से ही फिर से अंदर कर लेना है। इसी तरह से हम लगभग बीच वाला हिस्सा पूरा ऐसे ही
कवर किया गया है। देखिए हर फ्लावर में आप इसी तरह से हमने किया है, और इससे सारे जितने भी धागे फ्लावर के हैं वो पूरे स्टेबल भी हो जाते हैं, हिलते भी नहीं है इधर उधर, क्योंकि आप बीच में जो ये नॉट बना रहे हैं। धीरे धीरे ये नॉट पूरे में हम लगा लेंगे और हमारा ये स्टिच रेडी हो जाएगा। ये देखने में बहुत ही आसान, आप चाहे तो हमने इसमें शेडेड ऊल यूज़ की है 3-ply की, आप कोई भी धागा यूज़ कर सकती हैं, चाहे तो अगर आप 1 color के चाहें तो आप 1 color का भी यूज़ कर सकती हैं, इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है। बस ये है कि इसे फ्लावर बहुत ही सुंदर बनते हैं और उसे आसानी से आप इसमें अटैच करते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली स्टिच। ये इसी तरह से हम यहाँ पे पूरा फिल करेंगे। ये देखिए हमारा ये फ्लावर रेडी है, और ऐसे ही आप सारे फ्लावर बना लें। और उसके बाद ये हमने यहाँ पे फर्न स्टिच यूज़ की है, और ये उल्टी बकिया या स्टेम स्टिच से इतना सुंदर नमूना बन गया है। अगर आपको मेरी ये न्यू इनोवेटिव स्टिच अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। Thank you.